हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंजू, आप अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे अपने गमले में से खरपतवार को अलग करें। तो ये देखिए, मैंने इस गमले में पालक लगाया था, तो इसमें पालक तो खरपतवार में ही छुप गया। तो आज हम इसमें से खरपतवार निकालेंगे। तो इस खरपतवार को जंगली घास भी कहते हैं। ये हमारे पौधों की ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी में जो भी हमारे पोषण तत्व होते हैं सारे ये खींच लेते हैं। तो हम इनको जड़ समेत निकालेंगे। जड़ समेत निकालने से क्या होता है कि हमारे ये दोबारा पौधे नहीं फूटते, जिससे हमें इनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें ये पौधा ऐसा है जिसको हम अपने साग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका साग बना सकते हैं, या इसको अपने पराठे बनाते समय उसमें वो कट करके डाल सकते हैं, जैसे मेथी के पराठे बनते हैं उसी तरीके से। और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं खाने में। तो इनको मैं अपने स्टोर कर लूँगी, और जो ये जंगली घास है इनको मैं फेंक दूँगी। तो इससे हमारे ये जो गमला एक्स्ट्रा भरा हुआ है, थोड़ा सा इसको स्पेस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारी जड़ समेत पौधे निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आराम से इसको खींच के निकालोगे तो ये सारा निकल जाएगा। तो इसे आराम से निकालने के लिए हमें इसमें पहले से पानी डाल के रखना पड़ता है, तभी आराम से निकलता है। अगर ऐसे ही खींचोगे तो हमने जो पौधे लगाए हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पालक कितने अच्छे से अब दिखाई देने लगे हैं। और ये देखिए, इस गमले में भी मैंने जो बीज लगा रखे थे उनसे ज़्यादा ये ग्रोथ करे हुए हैं। तो हम इनको भी इसमें से निकालेंगे ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ सके। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें जड़ समेत इसको भी इसी तरीके से निकालेंगे। ऐसा करने से हमें एक तो इसमें स्पेस मिल जाता है, और हमारे जो हम पौधे लगाए हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ये समय समय पे हमें निकालते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा करने से हमारे ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ये खरपतवार हमारे समय समय पे निकलते रहेंगे। तो हमारे पौधों को अच्छी खुराक भी मिलेगी और अच्छे से ये बढ़ेंगे। तो आप भी इसी तरीके से अपने पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छे से देखना चाहते हैं तो खरपतवार को समय समय पर निकालते रहें। तो इसी तरीके से आप अपने पौधों को निकालेंगे तो वो दोबारा जल्दी से नहीं उगेंगे, क्योंकि जड़ समेत हम निकालते हैं तो वो हमारे वो पौधे दोबारा नहीं उगते। नया बीज होगा तो उगेगा वो, क्योंकि हमारी खाद में कंपोस्ट में इनके तरह तरह के बीज हमारे आ जाते हैं, तो ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समय समय पर निकालते रहना पड़ेगा। तो कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।